नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक रिजॉर्ट में, कॉर्बेट दी ग्रैंड। आज जॉब वर्सेस बिजनेस सीरीज में हमारे साथ हैं एक जयपुर के यंग एंटरप्रेन्योर, एक यंग बिजनेसमैन राहुल सिंह सर। आज यहाँ 4 दिवसीय बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर से मुलाकात हुई, तो लगा कि सर की विचार आप तक ज़रूर पहुंचाने चाहिए जॉब वर्सेस बिजनेस पर। तो आप सबके सामने प्रस्तुत हैं राहुल सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा सवाल है आपसे कि एक 12th पास आउट स्टूडेंट को या एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को अपनी लाइफ में जॉब या बिजनेस में से क्या चूज़ करना चाहिए और क्यों? देखिए सर, चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं जब आप 12th पास आउट करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद आपके पास लाइफ के अंदर गोल्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं लाइफ के अंदर कि आपको आगे क्या अचीव करना है। तो अगर अगर आप ये कहेंगे कि हमें वन साइडेड आंसर अगर चाहिए इस चीज़ इस क्वेश्चन का कि जॉब और बिज़नेस में हमें क्या करना चाहिए, तो मेरा आंसर होगा कि आप सब लोगों को बिज़नेस की तरफ ज़्यादा अपने आप को ट्राई करना चाहिए इन स्टार्टिंग डेज के अंदर। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ऑन माई सेल्फ, मैं ये ऐसा इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आपकी एज एक स्टार्टिंग एज फैक्टर में होती है तो कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, बिकॉज एक क्रिएटिव मेंटेलिटी के साथ आप स्टडीज़ करते हैं, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं ड्यूरिंग योर स्कूल लाइफ, ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे या फिर आप कई लोगों के साथ बैठ के सुनते होंगे या डिस्कस करते होंगे और आपके मन में कहीं ना कहीं ये रहता होगा कि यार मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसा कुछ अपना स्टार्टअप कर सकता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे कि अभी पिछले कुछ एक सालों में जो कोविड सिनेरियो थोड़ा हमारे कंट्री में रहा, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स थे जो लोगों ने अपने आप से स्टार्ट किए, फेल भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ और आज कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ एक सेकंड स्टार्टअप करके या थर्ड स्टार्टअप करके उसे थोड़ा बहुत सक्सेसफुल बना के अपने आप को लाइफ में उस रास्ते पर वो ले गए हैं जहाँ पर उन्हें पता है कि दे कैन क्रिएट अ बिग बिजनेस आफ्टर ऑल आउट ऑफ दैट। सो ये ऐसा इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि एज फैक्टर हमारे लिए इंडिया में एक इतना मैटर नहीं करता। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं एंड इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जहां पर आपकी एज लिमिट 30 एंड इवन मोर देन 30 अलाउड है। कुछ एक सेक्टर ज़रूर हैं ऐसे गवर्नमेंट जॉब में जहां पर इतना एज फैक्टर रिलीज नहीं मिलता है, बट वो एक आपकी ड्रीम के ऊपर होता है। वहां पर फिर बच्चे का खुद से ही पहले डिसाइडेड होता है कि नहीं यार मुझे ये चीज़ जॉब तो करनी ही करनी है और मैं इस पर जाऊँगा। बट इन दैट केस मैक्सिमम टाइम्स बच्चों का ऐसा कोई गोल डिसाइडेड नहीं होता है, बिकॉज इन टूडेज़ वर्ल्ड जहाँ पे लाइक मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स आ चुकी हैं एंड देर आर सो मैनी स्टार्टअप फंडिंग कंपनीज एंड देर आर सो मैनी इन्वेस्टर्स टेकिंग इंटरेस्ट कि हम लोगों को इन्वेस्ट करने में हेल्प, दे आर प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट टू द न्यू स्टार्टअप ऑल्सो, आप पिच कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस, दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग देयर ओन इंडिविजुअल्स इन इंडिया ओनली, दैट आप किस तरीके से आप पिच करें हमें और अगर हमें वो चीज़ एक सॉल्व करने वाली चीज़ लगती है, लाइक इफ़ यू आर हैविंग एनीथिंग विच इज़ सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द जनरेशन, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन एंड इन्वेस्टिंग द मनी इन टू योर बिजनेस। सो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये मानना है क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप फेल हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से नहीं जा सकते लाइफ में कि आप ये सोचें कि ठीक है अगर आपने अभी फेल हो गए तो इसमें टेंशन या रिस्क की इसलिए कोई वजह नहीं है क्योंकि आपकी एज उस टाइम पे 20 to 25 के बीच में ही रेंज करेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इस एज में ही कम्प्लीट करते हैं। ये एक ऐसा एज है जहाँ पर सर आपके पास रिस्क लेने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर एक प्रेशर और बर्डन इतना ज़्यादा नहीं बिल्डअप होता है। एक बार फॉर एग्जांपल मैं दो लोगों का आपको एग्जांपल लेके एक समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन पर्सन जिसकी एज 30+ है या नियर बाय 30 है, 29-30 समथिंग, और एक एज है जिस बच्चे ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी लाइक आफ्टर 21, और आपने जैसा कहा कि 12th के बाद भी तो लाइक आफ्टर 16 or 17 लोगों का 12th हो जाता है, तो वो एक उस एज में बच्चा जिसके पास एक बहुत सारा अभी लाइफ में बहुत कुछ बचा है, पेरेंट्स भी ये जानते हैं कि अभी इस बच्चे को आगे पढ़ाई करनी है, इतना प्रेशर हमें नहीं डालना है, थोड़ा और पढ़ेगा, ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, फिर उसके बाद तो ज़िंदगी भर ही जॉब करनी है। यहाँ इंडिया में हम लोग जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें एक ही चीज़ पर फोकस करने को कहते हैं कि बेटा पढ़ लो आप, क्योंकि अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो, एक बार आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी फिर तो ज़िंदगी भर आपको पैसा कमाना है, लाइक यू हैव टू अर्न ऑल द लाइफ, एंटायर लाइफ इज स्पेंडिंग। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मेरे भी पेरेंट्स
मुझे बोला करते थे, तो मुझे भी ये चीज़ थोड़ा सा हिट होती थी कि हाँ यार पैसा तो हर लाइफ में एंड में कमाना ही है। एंड बिलीव मी, टॉकिंग अबाउट द जॉब इज़ अ वेरी सिंपल थिंग इन दिस वर्ल्ड। आप कहीं पे भी जाएंगे, जॉब आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बट द थिंग आप जब बिज़नेस की बात करते हैं, जो मैंने आपको बिज़नेस का एग्जाम्पल दिया, वो एक ऐसी चीज़ है कि हर एक इंसान अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके एग्जीक्यूशन होने में, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होने में आपके फेलियर्स बहुत मैटर करते हैं। ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं होगा अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैंने तो किया था, इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड या आई हिट इट ऑन द कोर पार्ट, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि देर आर सम फेलियर्स विच यू आर फेसिंग और विच यू आर गोइंग टू फेस। हो सकता है आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी रह जाए, या हो सकता है आपको कोई डायरेक्शन ही प्रॉपर ना मिला हो, बट दैट थिंग इज ओनली द मेन थिंग विच इज़ द की प्लेइंग रोल एलिमेंट फॉर योर बिजनेस डायरेक्शन। क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आज मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई है, सो इन द कमिंग अप प्लानिंग फॉर योर न्यू बिजनेस और द सेम बिजनेस, आप उसको एक अच्छे लेवल पर ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी, ये जो एक लाइफ फैक्टर है आपका, लाइक इवन आफ्टर 12th एंड इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट थिंग, जहाँ पे आप रिस्क के साथ खेल सकते हैं। बिकॉज फॉर मी देर इज़ अ फेमस लाइन लाइक टेकिंग नो रिस्क इन द लाइफ इज़ द बिगेस्ट रिस्क ऑफ द लाइफ, एंड रिस्क इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना ज़्यादा गट फीलिंग अपने अंदर रखते हैं कि आप उसको फेस कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। बिकॉज आई नो कि जब आप बिजनेस में उतरते हैं तो देर आर लाइक हेटर्स मोर देन द सपोर्टर्स। सो जब आप उस लेवल पर जाते हैं तो आपको ये फील होता है कि हाँ अगर मैं इस चीज़ को करूँगा और मुझे अगर सामने वालों से ये फील आ रहा है कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आप जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको यही कहूँगा, जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, सो इट्स आई विल नॉट से कि इट्स एन ईजी थिंग, बट रेदर आई विल नॉट से इवन दैट कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप इसको कर सकते हैं, बट जस्ट टेक इट एज अ फीलिंग दैट यू विल हैव टू फेल। डोंट थिंक कि यार आई विल गो एंड हिट इन ऑन माई फर्स्ट बॉल, क्योंकि आप जब तक फेल नहीं होंगे आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मेरा हो जाएगा। देखिए कई लोगों का ऐसा होता है कि दे जस्ट बिकेम सक्सेसफुल इन देयर फर्स्ट बिजनेस, सम हाउ दे हैव अ गुड प्लानिंग, बेटर प्लानिंग और टीम और एनी इन्वेस्टर सपोर्ट, एंड दीज चांसेज आर लाइक रेयरली 1-3% ओनली। एंड मैक्सिमम द चांसेज फॉर 90-95% आर कि कई लोगों का बिजनेस 4-5 times फेल होता है, इवन 10 times ऑल्सो। तो ऐसा मैटर ही नहीं करता, द ओनली थिंग इज द डेडिकेशन एंड द लाइक यू हैव एनी आइडियोलॉजीज इन योर माइंड कि हाँ मुझे तो करना ही है, आई विल नेवर एवर बैक डाउन। सो जितने भी लोग हैं, लाइक अगर आप बड़े बड़े मिलियनेयर्स या बड़े बड़े जो भी आज के टेक जाइंट्स हैं या जो भी बिजनेस लीडर्स हैं उनकी आप देखेंगे, लाइक एलन मस्क है, वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स है, कोई भी, तो उन लोगों का भी आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि दे इवन स्टार्टेड विद अ स्मॉल वेयर हाउस और यू कैन से स्मॉल शॉप टाइप स्पेस, एंड वहाँ पे बहुत सारे फेलियर्स उन्होंने फेस करी और आज जाके वो उस लेवल पे पहुँचे। आप एलन मस्क का ही अगर आप देख लेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट कि यार एक 2012-2013 तक कोई नेम नहीं था, एंड सडनली आफ्टर दैट अ जंपिंग स्टार्ट, एंड नाउ 2000 लाइक टुडे इज 2021 बट आई एम नॉट सेइंग कि वो अभी फेमस हुए, ही जस्ट गॉट हिज नेम ऑन 2019-20 नियर बाय की He is now famous in the list of the millionaires and billionaires and now. तो कितने साल का खेल रहा उसके लिए, अगर आप खुद सोचें तो उसके लिए मुश्किल से 6-7 साल का खेल रहा, और उसने जिस एज में वो स्टार्ट किया और वो सब चीज़ें करना शुरू करी वो बहुत मायने रखता है। मैं उस एज में तो रिस्क लेने की बात भी नहीं करा, मैंने तो उस एज में रिस्क लेने की बात करी जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, व्हेन पीपल आर लुकिंग यू प्लेइंग ऑन योर स्ट्रीट्स, व्हेन पीपल आर सीइंग यू हैविंग रूम अराउंड विद योर फ्रेंड्स, जस्ट एट दैट टाइम आई एम सेइंग टू टेक योर रिस्क इन योर लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू मी, like summing up with all my conclusion, that according to me you have a great opportunity in your early ages of your life that you can take risk to do business. And since if you think that you can do it and you have the gut feeling, so do it. And somehow agar aapko lagta hai ki yaar maine bahut attempt maar liya, I am more than spent 5-7 years or 10 years, then no need to worry, you have job every time available at any places because you have so much experience in your business life that you can help it on and put it on to any kind of job. And that is definitely going to help in any company. So nothing to be worried as in such case ki aisa agar log sochein ki hamari age factor nikal gayi ab hame job kaun dega, it is nothing so, because aaj ke time pe kya hone laga hai, जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है इन द जॉब फील्ड ऑल्सो। देर आर फ्यू लाइक कंपनीज हु आर नॉट इवन टेकिंग इंटरेस्ट इन योर कॉलेज डिग्रीज, दे आर जस्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर लाइफ स्किल्स, लाइक यू हैव व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिकल लाइक इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स रिगार्डिंग कि आप कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितना ज़्यादा आपके सक्सेस रेशियो हैं, क्या आपकी थिंकिंग है और कैसी सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी जॉब इज़ अ सेकेंडरी थिंग, यू मस्ट कीप इट ऑन अ सेकेंडरी नोट, बिकॉज लाइफ गिव्स यू एन ऑप्शन इन अर्ली स्टेजेस, एंड इफ यू हैव
that opportunities, then you should go and apply all the possibilities you have and ideas you have to make a like successful business. Thank you very much, sir. Okay.